यार हेल्थ इंश्योरेंस वाले लोगों को क्या फुद्दू बनाते। हमारा फुद्दू तो इन्होंने यार बहुत सही तरीके से काटा, बल्कि मेरा ऑपरेशन हुआ था, बल्कि मेरे को तो चोट लग गई थी उंगली पे, ये लगी हुई है आपको दिख जाएगा। तो जब ये चोट लगी ना, तो मैं डॉक्टर के पास गया कि सर हमारा ना ये ऑपरेशन करना है तो कितना पैसा लगेगा। तो डॉक्टर बोला सिर्फ 8,000 रुपए लगेंगे, आपको हम फ्री कर देंगे। हमने बोला चलो ठीक है, हो जाएगा तो अच्छी बात। मैंने बात किया कि सर मेरे पास ना हेल्थ इंश्योरेंस का कार्ड भी, तो इसमें हमारा क्या बेनिफिट होने वाला है, क्या क्लेम होगा। तो भाई जहां 8,000 रुपए बनना था ना बिल, वहां डॉक्टर ने करते कराते 32,000 का बिल बना के दे दिया मेरे को। खड़े पैर 32,000 का फटका लगा तो लगा, प्लस साथ में जब हम वो सारे बिल विल इकट्ठे करके जब हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी में देने के लिए गए कि हमको क्लेम मिल जाएगा, पैसा वैसा कुछ रिटर्न आ जाएगा, तो कंपनी वालों ने पता क्या किया, सिर्फ 24,000 रुपए का हमको क्लेम दिया। 32,000 का बिल था और 24,000 रुपए हमको वापस दिए। इसमें कुछ बेनिफिट नहीं हुआ। राउंड फिगर में आपको समझाता हूँ, 32,000 से अगर आप 24,000 माइनस करोगे तो कितना होता है, 8,000 रुपए। तो टेक्निकली 8,000 रुपए तो मेरे को वैसे भी भरने थे। ऐसा होगा कि जैसे मैं मार्केट में गया हूँ, 5 रुपए की टॉफी ली है, 5 रुपए मैंने दे दिए, टॉफी मेरे को मिल गई है, बात खत्म। पहले भी वैसे ही होने वाला था, 8,000 रुपए मैंने देने थे, ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ, बात खत्म। पर जब घुमा के कंपनी ने जो हमारा फुद्दू काटा है मुंह पे कि देखो हम पैसे ले रहे हैं पर आपको पता नहीं चलेगा, मैं तो बोलूंगा तुम सबको कि हेल्थ इंश्योरेंस ना लेना बंद ही कर दो। ये फालतू के चोचले हैं, आपको घुमा के फुद्दू बोलते हैं मुंह और कहते हैं कि इतने लाखों रुपए का आपका क्लेम हुआ है, ये घंटा क्लेम हुआ है। ये जैसा होता कि 32,000 में से आप मेरे को 30,000 रुपए दे रहे हो, सिर्फ 2,000 रुपए ठीक है वो चलता है, वो मैं मानता कि मेरा कुछ बेनिफिट हुआ। क्या फुद्दू काटा है, घुमा के फुद्दू काटा है।